आदरणीय मित्र, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि ये जो है युग, ये चल रहा है जो कलयुग, दो इसकी संतानें हैं, एक अंधविश्वास, दूसरी संकीर्णता। एक बेटा एक बेटी, और दोनों का आपस में हो जाता है विवाह। तो हमने पिछले वीडियो में अंधविश्वास पर आपके सामने में विचार रखे थे। अब इसकी बेटी जो है, बेटी भी है और भैया बहू भी है, इसकी दोनों है ना। इसकी बेटी बहू नाम क्या है उसका? संकीर्णता। आज देखिए ना, संकीर्णता ने सब पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, सबके मन में संकीर्णता घुस गई है, राक्षसी है ना। इसने सबको अपने वश में कर लिया है। आज हम स्वार्थ से ज्यादा नहीं सोच जो पा रहे हैं, जो आज लोग सेवा उपकार को भूल रहे हैं, इसका वजह क्या? वही संकीर्णता, जो कि बेटी और बहू है कली पुरुष की। आज देखिए व्यक्ति स्वयं के बारे में और अपने परिवार के बारे में, और उसमें भी क्या, बस पति पत्नी और बच्चे, इसके बाद परिवार में लगता नहीं कि है कोई उसे। माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, सारे रिश्ते नाते तो टूट रहे हैं। व्यक्ति ज्यादा हो रहा है स्वार्थी, हो रहा है संकीर्ण, हो रहा है संकुचित सोच वाला। इसका वजह, इसका कारण, तो कारण है क्या? संकीर्णता रूपी जो राक्षसी सबके अंत में घुस गई है। ये जो धरती का बंटवारा है, 200 लगभग देश हैं विश्व में, इसका कारण क्या है? संकीर्णता, संकीर्ण सोच। ये जो हम द्वेष रखते हैं, दंभ करते हैं, इसका कारण क्या है? संकीर्णता। संकीर्णता ने हमें अपना गुलाम बना रखा है। मित्रों, हम इसकी दास्ता से हो जाएं मुक्त, और इस तरह ही हम कली पुरुष को हरा सकेंगे। इसकी दो संतानें, एक अंधविश्वास, दूसरी संकीर्णता, दोनों का हो जाए वध, दोनों की हत्या हो जाए, मारो उसका, कच 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 कच, छोड़ना नहीं। यदि हराना है हमें कली पुरुष को, तो दोनों का वध करना ही होगा, और कोई उपाय नहीं। लेकिन दोनों कहाँ है बाहर में? बाहर कहीं नहीं है, वो तो आपके अंदर में जाके घुस गया है। आदमी के अंतर में जाकर घुस गए हैं दोनों। इसलिए मित्रों, इसको भगाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। हाँ, लेकिन आपका संकल्प हो जाए, यदि है सत संकल्प, और श्री अवतार का मिलेगा मार्गदर्शन, तो फिर ये काम आसान हो जाएगा, और इन दोनों का वध होगा, और कलियुग का समापन। कली के दो हाथ हैं, एक का अंधविश्वास, दूसरी है संकीर्णता। दोनों हाथों को काट देना है, दोनों ही बाहों को काट देना है। जैसे भगवान राम ने कुंभकर्ण का दोनों ही हाथ, दोनों बाहें काट दी थी,
वैसे ही श्री अवतार भी, कल्कि भगवान भी इस कलि युग की दोनों बाहों को काट देंगे और इनकी शक्ति बहुत न्यून रह जाएगी। और मित्रों, इस कलयुग के दो तो हैं बच्चे, लेकिन और भी हैं खानदान में, बहुत सारे हैं। इसका वर्णन हम आपको आगे बताएंगे कि इसके खानदान में और कौन कौन है, इसके पोते पोतियां हैं कौन कौन। आप हमारा वीडियो देखते रहिएगा और भैया वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि ये काम है भगवान का, मेरा नहीं है, इसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। बस हम तो सेवक हैं श्री अवतार के और हमें भगवान के कार्य में सहयोग देना है, युग परिवर्तन में सहयोग देना है। आप भी दें, आ जाओ, हम सभी एक साथ हो जाएं, मिल जाएं, तो क्या होगा, युग बदल जाएगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। धन्यवाद।